Welcome back to my YouTube channel, friend. Today we are going to discuss the topic three top extinction. ये जो topic है ये ecology unit के class 12 के chapter number 15 biodiversity and conservation से लिया गया है. ये NCERT का है. ये आपको class 12 के page number 264 पे मिल जाएगा. ठीक है, तो इसमें mainly क्या है, इसमें मैंने इस topic में mainly है कि जो in near future में ये कौन कौन से species और उनके कितने परसेंट चांसेस है कि वो फेस कर रहे हैं थ्री टॉप एक्सटिंक्शन, मतलब इन नियर फ्यूचर में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. ठीक है, कितने कितने परसेंटेज हैं, कौन कौन से स्पीसीज हैं, तो ऐसे याद करेंगे. तो देखो इसका ट्रिक मैंने बताया, गैम्बलिंग आप लोग जानते हो. देखो यहाँ गैम्बलिंग GAMBLING. ठीक है, तो गैम्बलिंग का GAMB याद रखना है बस. तो मतलब जिम्नोस्पर्म स्पेसीज, एम्फीबियन स्पेसीज, मैमल स्पेसीज और बर्ड स्पेसीज. तो अब देखते हैं कि कितना कितना परसेंटेज ये एनसीईआरटी में है और परसेंटेज है, तो हो सकता है कि ये नीट में पूछा जा सके. तो ये इसलिए इसे मैं बताता हूँ कैसे इजिली आप लर्न कर सकते हो. ये देखो यहाँ पे मैंने फेस द थ्री टॉप एक्सटिंक्शन कितना परसेंट है. ठीक है, थ्री टॉप एक्सटिंक्शन कितना परसेंट फेस करेंगे, जिम्नोस्पर्म स्पीसीज कितना परसेंट करेंगे, 31%. ये एक याद करना, 31. ठीक है, एम्फीबियन, अब देखो गैम याद है, अब 31 में एक ऐड कर देना, प्लस ऐड 32% हो जाएगा. पहले क्या याद रखना है, गैम्बलर जो भी याद रखना है आपको, गेम नहीं है तो गैम्बलर, GAMBLER गैम्बलर. ये LER का कोई मतलब नहीं है, मैंने यही है. जी फॉर जिम्नोस्पर्म, ए फॉर एम्फीबियन, याद रखना ये एंजियोस्पर्म नहीं है, ए फॉर एम्फीबियंस है. ठीक है, यहाँ पे एम्फीबियंस है. एम फॉर मैमल, बी फॉर बर्ड. तो ये 31 याद रखना, 31 होता है ना, 31st याद रखना, 31st में एक ऐड कर देना, तो 32. अब इसको उल्टा कर देना, 23, ये दोनों याद हो जाएगा, 31 32 30, और बर्ड में 12, ये एक ध्यान में रखना ऐसे. अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, जो ये एनसीईआरटी का पॉइंट है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस. ठीक है, दीज रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नो मोर देन 6%. मतलब एक टाइम था कि टोटल जो अर्थ सरफेस था उस टोटल अर्थ सरफेस के 14% से भी ज़्यादा, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हुआ करते थे. बट अब ऐसा टाइम हो गया, दिस टाइम, अब ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है अब 6% से कम ही रहे, लेस देन 14%, 6%, ये दो चीज़ें लेस देन 6% रहे. देखो दिस रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नो मोर देन 6%, मतलब 6% से ज़्यादा नहीं है, लेस देन इक्वल टू 6%. नाउ कवर नो मोर देन 6%, लास्ट मैक्सिमम के 6% ही अब हैं. एक समय था कि 14% से ज़्यादा थे, अब 6% से ज़्यादा नहीं है. नेक्स्ट देखो एक लाइन और है. अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ऑल्सो नॉन द लंग्स ऑफ द प्लानट. ये एनसीईआरटी का स्ट्रिक्टली मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट. ये आपको पेज नंबर 264 में शायद दिया हुआ. सॉरी. देखो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ऑल्सो नॉन एज लंग्स ऑफ द प्लानट, क्यों, बिकॉज इट इज़ सो ह्यूज, बहुत बड़ा था. ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हैं. देखो यही, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.